Hey guys, welcome to my channel Zeya Studio. आज हम दोस्तों PDFs नहीं पढ़ेंगे. आज मैं एक notes बनाई हूँ cell की, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि cell होता क्या है और cell के types के बारे में बात करेंगे. ठीक है, eukaryotic cell and prokaryotic cell. तो पहले तो हम बात करेंगे cell के बारे में कि cell की discovery किसने की थी. तो जो cell था वो discovered हुआ था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने. हुक के जरिए से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था. तो ये डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. अब सेल की स्टडी को कहते क्या है? सेल की स्टडी को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं. अगर हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहेंगे. और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. अब सेल होता क्या है? तो सेल जैसे कि यूनिसेलुलर, किसी की जो ऑर्गेनम्स की बॉडी होती है यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिर्फ एक सेल की बनी होती है. किसी सेल जो ऑर्गेनम्स की बॉडी होती है वो मल्टीसेलुलर होती है. मल्टीसेलुलर के मतलब कि एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है. ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं ये मल्टीसेलुलर हैं. तो इस तरीके से होता है सेल में. सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं. जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम लोग मिलाकर बिल्डिंग्स बनाते हैं या कोई भी शेप की चीज़ बनाते हैं. तो कई सारे उसमें अलग अलग ब्लॉक्स मिले होते हैं, मिलकर एक चीज़ बनती है. चाहे वो हम कोई बिल्डिंग बनाए या कोई कार का शेप बना देते हैं या कोई बॉक्स बना देते हैं. तो इसी तरह सेल में भी यही है कि कई सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करती हैं. बट हाँ, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं. अगर वन सेल से बनी यूनिसेलुलर, वन सेल से ज़्यादा है तो मल्टीसेलुलर कहेंगे. तो हम अब बात करेंगे सेल होता क्या है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेल क्या है? एक तरीके की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हुआ, हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहा? स्ट्रक्चरल हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी होती है, इसलिए हमने उसको स्ट्रक्चरल कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा. हमारी बॉडी क्यों है? सेल से बनी हुई है, हमारा स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है. दूसरा, हमने इसको फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा क्योंकि जितने भी बॉडी में वर्क होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, इसलिए हमने इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा है. एंड बायोलॉजिकल यूनिट मतलब कि जैविक इकाई भी इसको कहा जाता है. ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहा. ठीक है, मतलब कि संरचनात्मक. स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब हो गया क्रियात्मक, क्योंकि इसमें हमारा सारा फंक्शन होता है. हम इस सेल में ही इसको फंक्शनल कहा गया. और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चर भी कहा. अब हम बात करेंगे सेल की टाइप्स के बारे में. तो सेल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मोस्ट अदर सेल्स ऑर्गेनिस. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसका वो ट्रू नहीं होता है. ट्रू का मतलब ये कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड नहीं होता है. उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव स्टेज में होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसको ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे. और इसमें कुछ बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए नहीं जाते हैं. जैसे कि इस एग्जांपल में हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, आर्किया ले सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया का फिगर शो कर रहे हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया का फिगर है. ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब कि ये एक सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर है. अब इसमें क्या हुआ, ये एक डीएनए पाया गया है, इसमें एक डीएनए हो गया. ठीक है, ये डीएनए है.
अब ये इसमें राइबोसोम्स पाए गए हैं। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स एक तरीके के से ऑर्गेनल्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो जो राइबोसोम्स होता है इसमें इसमें जो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है। ठीक है, 70-70 सब यूनिट का ही होता है। और जो पूरे यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें राइबोसोम 80 सब यूनिट की पाया जाता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया को दिखाया है। तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S का पाया जाता है। और राइबोसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। इसके अलावा इसमें फ्लैजला फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला क्या होता है? एक थ्रेडलाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि मूविंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा इसमें पिलाई पाया जाता है। पिलाई भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट में काम आता है। ये अटैचमेंट के लिए होता है कि बैक्टीरिया कहीं अटैच हो रहा है किसी बेस पे जाकर, तो उस वहां पर उसको अटैचमेंट में ये यूज होता है। इसके अलावा ये पिलाई हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। इसे प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड एक तरीके का स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर ही सारे जो ऑर्गेनल्स हैं जितने भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ज्यादा ऑर्गेनल्स तो नहीं पाए जाते, जितने पाए जाते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जो डीएनए पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है। जो प्लाज्मिड है या राइबोसोम सेंटीएस है सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सेलवाल होती है जो कि एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है। तो ये एक फिगर है बैक्टीरिया का जो कि प्रोकैरियोटिक है। अब हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें वो एक से ज्यादा सेल से बना होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक में आएगा वो समझ लीजिए आप एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, मतलब कि मल्टी सेलुलर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड नहीं था, इसमें वेल डेवलप्ड होता है। और इसमें ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक मुकाबले में ज़्यादा ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्लोज होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सब क्या है यूकैरियोटिक में आते हैं। अब यहाँ पर हम एक यूकैरियोटिक सेल को दिखाए हैं। ये जो एक यूकैरियोटिक सेल है ये एक ह्यूमन की वो सॉरी ये प्लांट्स की नहीं एनिमल की है, क्योंकि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क होता है, जो प्लांट सेल होती है उसमें सेलवाल पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, बट साथ साथ सेलवाल भी पाया जाता है प्लांट सेल में, बट जो एनिमल सेल होती है उसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंट है डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। तो ये एक तरीके का एनिमल सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया गया सेलवाल नहीं पाया गया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए गए हैं। ये साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म के प्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम इसमें पाया गया है। राइबोसोम जिसमें पाया जाएगा वो 80 सब यूनिट का होगा क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसमें माइटोकांड्रिया पाया गया है, इसमें गॉल्जी बॉडी पाया गया है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये वैक्यूल है, इसको वैक्यूल कहते हैं, और ये सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से निकला हुआ होता है। तो एक देख लीजिए इधर निकला हुआ, एक इधर निकला हुआ है। इसमें छोटे छोटे कर्व दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम के। तो जो राइबोसोम जहाँ पे है वो मतलब कि रफ हो गया, और जहाँ राइबोसोम नहीं जो क्लीन है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये फिगर हो गया एक यूकैरियोटिक सेल का जिसमें हर चीज वेल डेवलप्ड होता है और हर तरीके के ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं।
तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.